हेलो। चलिए आज मटर मशरूम बनाते हैं। मैंने पैन रख दिया है। ऑयल देखिए गर्म हो रहा है। मैंने मशरूम को बॉयल कर लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं इस तरीके से। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। गर्म हो गया है। हल्का गुलाबी होने तक इसे फ्राई करना है। हो गया है। इसे निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे निकाल लेते हैं। अब तेल गर्म हो गया है। देखिए मैंने सारे खड़े मसाले ले लिया है। जायफल, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब मैंने लेकर इसमें डाल देते हैं। ये 2 तेज पत्ता हमने लिया हुआ है, इसको डाल दिया। छोटे चम्मच एक जीरा का हमने लिया, इसको डाल देते हैं। ये लाल हो गया है। अब इसमें 4 बड़े साइज के प्याज हमने काट लिए थे, इसको डाल देते हैं। ये कसा हुआ 1 चम्मच अदरक है, 15-20 कलियां लहसुन के छिले हुए, 5 हमने हरी मिर्च लिया है। आप तीखा के जितना तीखा खा सकते हैं उतना आप डाल सकते हैं, कम खाना हो तो कम डालिए। अब इसको थोड़ा ढक के लाल करते हैं, पकाते हैं। चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला।
और एक छोटी चम कटोरी हमने हरी मटर लिया है, उसे भी डाल के इसमें भून लेंगे। जो मशरूम हमने फ्राई किया था वो मशरूम डाल देते हैं। बस छोटी आधी कटोरी इसमें पानी डालेंगे। अब ठंडा होने के बाद ही कुकर को खोलेंगे।